बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एफएससी इंटरमीडिएट पार्ट टू का चैप्टर नंबर टू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज कल एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका जो है वो आर्ट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन नंबर टू का आठवां पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 - 4x², इसका एक्सट्रीमा डिस्कस करेंगे हम। सॉरी, दिस इज नॉट द एट्थ पार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद आया कि 6 पार्ट किए थे, ये 7th पार्ट है। तो जब भी हमने फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आया x4 - 4x². अब पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये पावर रूल क्या था, डू यू रिमेंबर कि भूल चुके हैं आप? डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन वॉज इक्वल टू पावर विल बी ऑन द साइड, रिड्यूस 1 पावर इन द एक्सपोनेंट, डिफरेंशिएट विदाउट पावर, दिस इज कॉल्ड एज पावर रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू विल सी दैट 4 विल बी ऑन साइड, नाउ रिड्यूस 1 पावर इन द एक्सपोनेंट, इट विल बिकम 4 - 1 एंड डिफरेंशिएट इट विदाउट पावर माइनस। सिमिलरली आई एम गोइंग टू यूज पावर रूल ऑन द सेकेंड टर्म ऑल्सो, 4 इज अ कॉन्स्टेंट, इट विल रिमेन द सेम, अप्लाई पावर रूल ऑन x², पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस 1 पावर इन द एक्सपोनेंट एंड डिफरेंशिएट इट विदाउट पावर। वट इज योर आंसर इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 4x³ - 4 × 2 = 8x। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डी एफ डैश एक्स। लेट अस सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। नाउ आई हैव टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, वट यू विल गेट 4x³ - 8x इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, इन द ब्रैकेट आई हैव x² - 2 इज इक्वल टू 0। Now these two terms are multiply and the resultant is 0, therefore 4x will be 0 or x² - 2 will be equal to 0. When 4x is equal to 0, then x is equal to 0. This is the first stationary point. हम इसको पैक कर देते हैं, डब्बा पैक। और x² - 2 इज इक्वल टू 0, देन x² इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +/√2। नाउ वी हैव 1, 2, 3 वैल्यूज एंड दीज 3 वैल्यूज आर स्टेशनरी पॉइंट। एट दिस पॉइंट ओवर फंक्शन विल बी मैक्सिमम आर मिनिमम, आर इट विल नेवर मैक्सिमम नेवर मिनिमम, दैट मे बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो नाउ वट आई हैव टू डू, आई विल डिफरेंशिएट टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई एम अप्लाइंग हियर डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डिफरेंशिएट टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वट यू विल गेट, यू विल गेट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4। आई एम यूजिंग पावर रूल हेयर। चलें एक स्टेप और करते हैं, डी ओवर डी एक्स 4x³ - 8x, सेम रूल विल बी अप्लाई ओवर हेयर,
power will be on side, reduce one power in the exponent and differentiate it without power. Minus 8, what is the derivative of x? That is equal to 1. You will get 12x square minus 8. This is the value of f double dash x. अब हमने क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास 1, 2, 3 वैल्यूज आई हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप गिवन ये जो एफ डबल डैश एक्स के अंदर पुट करेंगे. अगर हमारा जवाब पॉजिटिव आता है तो वहां पे मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा. इसके तीन हिस्से ना बना दूं ऐसे करके, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा. पहले हिस्से में पुट करते हैं हम, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो एफ डबल डैश एक्स, अरे वाह ये तो माइनस आ गया. 12 इंटू 0 माइनस 8, योर आंसर इज माइनस 8, लेस देन 0. देयरफॉर मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा. अब इसको उठाकर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, पुट इन 1 में पुट किया तो ये आ गया एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, तो इस मुकाम पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई. अब जो है क्या करेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, इसका नाम ना रखते हैं, कुछ नंबर 3 रख देते हैं. पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इन 3, व्हाट यू विल गेट, f डबल डैश अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8. इसको सिंप्लीफाई करें, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 2 आ गया. ओए होए होए, 12 का स्क्वायर जब नहीं, 12 तो स्क्वायर के अंदर नहीं आएगा ना, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये 12 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, राइट. ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 8, योर आंसर इज 16. अरे वाह ये तो पॉजिटिव आ गया. देयरफॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इसको पुट कर दें आप 1 के अंदर तो एफ मिनिमम किसके बराबर आ रही है, आइए देखते हैं. एफ मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर. अब अंडर रूट 2 की पावर 4 का मतलब अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 2 और 2, 4 आंसर आ गया इसका. और ये स्क्वायर रूट और ये कट जाएंगे, माइनस 8 आ गया, तो इसका आंसर आ गया माइनस 4. अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, पुट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 इन नंबर 3, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट f डबल डैश अंडर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर आ गया 12 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8. स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव होके सेम ही आंसर आ गया, ये तो 24 माइनस 8 जो आप किसके बराबर आ गया 16 ग्रेटर देन 0. पुट कर दें इन, देयरफॉर मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 पुट इन 1, तो चूंकि स्क्वायर है तो इसलिए इसका जवाब भी माइनस 4 ही आएगा. एफ मिनिमम एट अंडर रूट माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसका एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है. एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है. तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे हम एफ इंटू जी फॉर्म लगाएं, या फिर क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, सिंप्लीफाई करके एक ही फंक्शन बना के तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर
फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फोर एक्स, फिर इसकी बारी आ गई प्लस फोर एक्स माइनस फोर, तो ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, नंबर टू नाम रख ले इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो पावर साइड पे आएगी, द पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस वन पावर इन द एक्सपोनेंट एंड डिफरेंशिएट विदाउट पावर। वही फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस वन पावर इन द एक्सपोनेंट, डिफरेंशिएट इट विदाउट पावर प्लस एट। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू वन एंड माइनस फोर इज कॉन्स्टेंट, देयरफोर इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू जीरो। You will have 3x square minus 10x plus 8. Let us suppose that this is over number, equation number 3. For stationary point, put f dash x is equal to 0. You will get 3x square minus 10x plus 8 is equal to 0. Now 8 threes are 24. Therefore, the factor of 24 are 4 into 6. Both will be minus 3x square minus 4x minus 6x plus 8 is equal to 0. From here, you can see that x is common in the bracket 3x minus 4 and minus 2 is common from these two in the bracket 3x minus 4 is equal to 0. In the next step, you can see 3x minus 4 is common from these two. In the bracket, I have just only x minus 2. Now there are two possibilities. Number one, x minus 2 is equal to 0, or 3x minus 4 is equal to 0. So therefore, I have got two stationary points. Number one is x is equal to 2. The number two is x is equal to 3 by 4. X is equal to 4 by 3, sorry, not 3 by 4, 4 by 3. Now, differentiate 3 again with respect to X. 3 with respect to X. Find the double derivative. F double dash X will be equal to d over dx in the bracket 3x square minus 10x plus 8 is equal to 6x minus 10. Now, इसके अब आप दो हिस्से बनाएं, एक हिस्से में आप लें टेक x इज इक्वल टू 2 और एक हिस्से में टेक x इज इक्वल टू 4 by 3 एंड सपोज दिस इज ओवर नंबर 4। तो इसको पुट करते हैं जी 4 के अंदर, पुट इन 4 तो f डबल डैश 2 विल बी इक्वल टू, अरे वाह ये तो आंसर हमारा पॉजिटिव के बराबर आ गया, पॉजिटिव आया, देयरफॉर मिनिमम कहां पे मिनिमम होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, इसको पुट कर दें इन नंबर 2, 2 पे पुट करें तो एफ ऑफ 2 मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4, तो ये आ गया 8 माइनस 20 प्लस 16 माइनस 4, 16 और 8 24 माइनस 24, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 के बराबर आ गई। अब आप इसको पुट करें इन 4 तो f डबल डैश 4 बाई 3 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4 बाई 3 माइनस 10, 3 2s are 6, 8 minus 10, your answer is minus 2, less than 0, therefore maximum at x is equal to 4 by 3, relative maximum, put in number 2, to f maximum will be equal to 4 by 3 whole square, cube sorry, minus
फाइव इंटू फोर बाई थ्री स्क्वायर प्लस एट इंटू फोर बाई थ्री माइनस फोर. एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज, सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर इज 4/27 इज द रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 4/3 और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर आ गई. लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू, नाइन्थ पार्ट, एक्सरसाइज 2.9. एक्सट्रीमा हमने डिस्कस करना है. हम सपोज कर लेते हैं दिस इज ओवर नंबर वन, तो एज यूजुअल पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट f डैश x इज इक्वल टू d ओवर dx 5 प्लस 3x माइनस x क्यूब. 5 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया. 3 इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 तो कांस्टेंट है ना, तो x का डेरिवेटिव 1. इस पर लगेगा पावर रूल, पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस 1 पावर इन द एक्सपोनेंट, डिफरेंशिएट विदाउट पावर, यू विल गेट 3 माइनस 3x स्क्वायर. वी आर सक्सेसफुल टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. फर्दर पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट. 3 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वी हैव जस्ट टू वैल्यूज ऑफ x, विच इज प्लस 1 एंड माइनस 1. इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आई विल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x. इट विल बिकम f डबल डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर. द डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0 बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट एंड पावर रूल विल बी यूज्ड अपॉन दिस on this function. Power will be on side, reduce 1 power in the exponent, differentiate it without power, you will have minus 6x. Now there are two portion of this question. In the first portion I will put x is equal to minus 1, f double dash x is equal to minus 6, put x is equal to plus 1. माइनस वन पुट किया तो ये आ गया माइनस सिक्स इंटू माइनस वन, योर आंसर इज प्लस 6 विच इज पॉजिटिव. देयरफॉर रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू माइनस 1, पुट करें इसको 1 के अंदर तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब. तो ये आ गया 5 माइनस 3 प्लस 1, 6 में से 3 निकाल दिए बाकी रह गए 3. इसी तरह जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f डबल डैश 1 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 विच इज नेगेटिव. देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1. अब हम पुट करेंगे इसको उठाकर 1 के अंदर तो वहां से मुझे f की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है और वो क्या होगी, 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब. तो 5 प्लस 3 माइनस 1, 8 में से 1 निकाला बाकी रह गए 7. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जब आप लाइक कर लेते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखना भी मत भूलिएगा. अगली वीडियो का इंतज़ार करना भी मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.